नमस्कार, पूरी दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। महामंदी की चपेट में आ सकती है दुनिया, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से कहा कि वे कार्यनीति के नए नियम परिभाषित करें, क्योंकि संभव है वैश्विक अर्थव्यवस्था वैसी ही परिस्थितियों की ओर बढ़ रही हो जो 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी के दौर में थी। राजन केंद्रीय बैंकों के बीच मौद्रिक नीति को उदार बनाने की होड़ के प्रति आगाह करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत में हालात अलग हैं, जहां आरबीआई को अभी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत दरों में कटौती करनी है। लंदन बिजनेस स्कूल में बुधवार शाम हुए एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमें बेहतर समाधान ढूंढने के लिए नए नियम की जरूरत है। नेपाल में फिर आए भूकंप के झटके। लगभग 9000 लोगों की जान लेने वाले भीषण भूकंप के लगभग 2 महीनों बाद नेपाल में 3 घंटों के भीतर विभिन्न इलाकों में भूकंप के 3 हल्के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप के ये 3 झटके गुरुवार रात महसूस किए गए। 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद अब तक नेपाल में 330 बार झटके महसूस किए गए हैं। ललित मोदी ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला, कहा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से भी हुई थी मुलाकात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विवादों के घेरे में ला चुके ललित मोदी ने अब गांधी परिवार को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। मोदी ने ट्वीट किया, यूपीए सरकार के दौरान मेरी लंदन में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से अलग अलग मुलाकात हुई थी। इस खुलासा के साथ ही कांग्रेस ने भी मुलाकात की बात कबूल ली है। साथ ही भाजपा का दावा है कि न सिर्फ प्रियंका और रॉबर्ट बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी ललित मोदी से मुलाकात हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पहले वसुंधरा और सुषमा स्वराज को हटाए। यूपीए ने ललित मोदी को 2 नोटिस भेजे थे। फर्जी डिग्रियां राजनीतिक चलन बना, उद्धव ठाकरे का भाजपा पर कटाक्ष। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फर्जी डिग्रियां दिखाना चलन बन गया है। उद्धव ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना गुरुवार को दादर उपनगर में एक किताब के विमोचन समारोह में कहा कि राजनीति में फर्जी डिग्री दिखाना एक चलन बन गया है। उन्होंने कहा कि सीधे साधे तरीके से सही काम करें, झूठी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि पंकजा मुंडे के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय करना चाहिए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।